पुलिस भर्ती परीक्षा में संदिग्ध अभ्यर्थी की खबर पर अधिकारियों ने आगरा कॉलेज की दौड़ लगा दी। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर पुरानी फोटो लगी होने से संदिग्धता की नजर से देखा जा रहा था। लखनऊ से फोन आने पर एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी आगरा कॉलेज पहुंच गए। आगरा कॉलेज महिला विंग में सुबह की पाली में पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के अंतिम समय में खबर मिली कि एक संदिग्ध अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है। लखनऊ से फोन आने पर एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने आगरा कॉलेज की दौड़ लगा दी। एसीपी के साथ थाने की पुलिस भी पहुंच गई। जांच करने पर पता चला कि अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड पर पुरानी फोटो लगी होने के कारण कन्फ्यूजन हुआ था। देखिए, एक्चुअली कभी कभी क्या केसेस हो जाते हैं जो लखनऊ से पॉपुलर आते रहते हैं, कभी कभी फ़ोटो मिसमैच होते हैं, तो उसके लिए फॉर्म 8 और 16 का प्रावधान दिया गया है, वो भरा लिया गया है। अभी हम लोगों ने फिजिकली चेक किया तो ऐसा कुछ नहीं था, प्रॉपर केस था। बाकी जो है प्रोविजनल रिजल्ट आता है, फाइनली लोग वहाँ से भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं। बायोमेट्रिक मिसमैच ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि सुरक्षा के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय लेयर बनाई गई है, तो जगह जगह पर लोग स्कैन किए जा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है, तो सुरक्षा में चूक होने के बहुत कम ही चांसेस हैं। नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं था, फोटो में मिसमैच थी। एक्चुअली क्या होता है, पुराने नए फोटो जैसा आपके लगा बताया है, बाकी ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। आगरा कॉलेज महिला विंग में संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े जाने की खबर से खलबली मच गई। एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड देखने के साथ गहनता से पूछताछ की। एसीपी का कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गेट पर गहनता से तलाशी लेने के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। सुरक्षा के त्रिस्तरीय इंतजाम है, 3 जगह अलग अलग चेकिंग करके भेजे जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल परमिट नहीं किए गए हैं, तो कहीं भी सुरक्षा में चूक होने की कमी संभावना है। बिकॉज बायोमेट्रिक भी लगातार हमारी हो रही है, EKYC और जो आधार ऑथेंटिकेशन है, दो अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं, तो प्रॉपर्ली चेकिंग हो रही है। बाहर से भी कोई जैसे खड़ा हुआ, कोई जोड़े में पिन लगा के, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉट अलाउड की गई हैं। बहुत अच्छे से चेकिंग हो रही है, तो सुरक्षा के इंतजाम बहुत ही पुख्ता किए गए हैं इस बार परीक्षा के। पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की स्कैनर से तलाशी ली जा रही है। जूतों के साथ बेल्ट, स्मार्ट वॉच और कलावे तक निकलवाए जा रहे हैं। परीक्षा कक्ष के साथ केंद्र परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे संदिग्धों पर नजर रखी जा सके। सॉल्वर गैंग पर नजर रखने के लिए खुफिया एजेंसियों के साथ सादा कपड़ों में पुलिस तैनात की गई है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।